आओ शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़कर सारे कॉन्सेप्ट इसके करते हैं सारे क्वेश्चन का सत्यानाश। अरे समझ में ना आए तुझको शिकायत लेके आना मेरे पास। आओ शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हेलो गाइज, इसी के साथ आज का हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हम इसको शुरू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे देखिए, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, यानी कि जिसे आप कहते हैं फायदा, और लॉस मीन्स होता है हानि, जिसे आप कहते हैं नुकसान। बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? अब क्या होता है, जब हम किसी सामान को बेचते हैं तो बेचने की इंग्लिश होती है सेल, होती है सेल, मीन्स होता है बेचना। तो सेल में लगा दो ing, ये हो जाएगा सेलिंग, और बेचने वाला कुछ तो प्राइस होगा ही, तो बेचने वाला प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस, हो जाएगा सेलिंग प्राइस। चाहे आप इसको बोलो या आप इसको बोल दो सोल्ड प्राइस, चाहे आप सेलिंग प्राइस बोलो, चाहे आप क्या बोलो, सोल्ड प्राइस बोलो, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसका भाई है, यानी कि आप सामान को तभी बेचोगे जब तक आप सामान को खरीदोगे नहीं। तो जो खरीदने वाला प्राइस होता है, खरीदने की इंग्लिश बाई होता है, तो इसमें हम लगा देंगे ing, यानी कि हो जाएगा बाइंग, और बाइंग और भाई प्राइस तो होगा ही ना, तो बाइंग प्राइस मीन्स हो जाता है क्रय मूल्य। याद रखना, बाइंग प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में एक चीज़ और है, चाहे आप बाइंग प्राइस लिखो या इसको बाइंग प्राइस ना लिखकर इंग्लिश में लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, ध्यान देना। तो अभी बाइंग प्राइस को हम लोग कट करते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है SP होता है, और कॉस्ट प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो CP होता है। ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, तो जिस कॉस्ट पर किसी चीज़ को खरीदते हैं, है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आप 100 में सीधी बात, एक चीज़ याद रखिए, खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला प्राइस, ओके। और अगर सेलिंग प्राइस की बात किया जाए, SP की बात किया जाए, तो सेलिंग प्राइस मीन्स हो जाएगा बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला मूल्य। बोलो, इतना क्लियर है? यहाँ पर सारी चीज़ें बताओ, प्रॉफिट मीन्स होगा लाभ, और लॉस मीन्स होता है हानि, SP मीन्स होता है सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस, इसका मतलब होता है बेचने वाला प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं, और दूसरा है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको आप बाइंग प्राइस कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। क्लियर है? अब ये बताओ, आप किसी सामान को 5 रुपये में आपने ख़रीदा, उस सामान को अगर आप 3 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो बताइए, इस सामान आपने 5 रुपये में ख़रीदा और आपने 3 रुपये में बेचा, बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। आप कहोगे लॉस हुआ, क्योंकि 5 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये में बेचा, 2 रुपये का तो नुकसान हो गया ना, यहाँ पर लॉस हो गया। क्लियर है? अब लॉस आपको, आपने कहा 5 रुपये का सामान ख़रीदा गया, 2 रुपये 3 रुपये में बेचा गया, आप कह रहे हो लॉस हो गया, कितने रुपए का बच्चा? लॉस हो गया 2 रुपये का। अब 2 रुपये कहाँ से पैदा हुआ, जरा दिमाग लगाओ। ये जो लॉस हुआ, आप करो, अगर 5 में से अगर क्या किया जाए, 5 में से माइनस कर दिया जाए 3 रुपया, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। तो 5 क्या है, 5 रुपये में आप ख़रीदे थे ना, तो 5 क्या है भैया? सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, ख़रीदने वाला मूल्य है, 5 रुपये में ख़रीदा गया था ना, अरे सॉरी, ख़रीदने वाला मूल्य CP होता है, सॉरी भाई, 5 रुपये में आपने ख़रीदा, मतलब CP क्या हो गया?
पाँच रुपया हो गया। आपने 3 रुपये में बेचा, बेचने वाला मूल्य क्या होगा? SP होगा। तो CP में से अगर आपने SP माइनस कर दिया तब आपका क्या निकल कर आया? लॉस निकल कर आया। तो लॉस बराबर यही होता है, लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP, याद रहेगा। लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP। आप कह रहे हो लॉस कैसे निकालोगे? आपने खरीदा था 5 रुपये में, तो 5 माइनस आपने बेचा कितने में? 3 रुपये में। 5 माइनस 3 बराबर आया 2 रुपया। समझ में आया? एक क्लियर है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ, नहीं हमें रुपये में मत बताओ, हमें ये बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ? आप हमें क्या बताओ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो तुरंत जैसे लॉस परसेंट पूछे, है ना, तुरंत आप क्या करो, लॉस को ऊपर रख दो। बताओ लॉस किस प्राइस पर हुआ? 5 रुपये पर हुआ कि 3 रुपये पर? 2 रुपये लॉस हुआ, 5 रुपये पर, 5 रुपये पर हुआ, है ना। 2 रुपये का लॉस हुआ वो तो अलग केस है ना। अब पान यानी कि नीचे आपको लिखना है CP लिखना है, और मल्टीप्लाई हर चीज़ें अपने आप में 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इससे निकल जाएगा लॉस परसेंट निकल जाएगा बच्चा। यानी कि लॉस कितने रुपए का हुआ था? 2 रुपए का हुआ था। और CP क्या है? 5 रुपए में आपने खरीदा, किससे गुणा करेंगे? 100 से। क्लियर है? 5 1 5 5 2 10, 5 0 0 और 20 2 40, यानी कि 40% का लॉस हो गया कि नहीं? समझ में आया? एक बार इन सारी चीज़ को फिर से समझिए, अभी क्लियर होगा। देखिए आपने देखा जैसे 5 रुपए में अगर किसी सामान को खरीदा गया है, 5 रुपए में क्या किया गया है? किसी सामान को खरीदा गया, मैं लिख दे रहा हूँ, अब तो क्लियर है ना। 5 रुपए में किसी सामान को खरीदा गया, तो बताओ खरीदा गया यानी कि जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो CP होता है कि SP होता है? बोलो जरा सा। जो खरीदने वाला मूल्य होता है CP होता है। इसका मतलब CP 5 रुपया, CP बराबर हो गया 5 रुपया। बोलो इतना क्लियर है ना। फिर आपने 3 रुपये में इस चीज़ को बेच दिया, आपने कितने रुपये में बेच दिया? 3 रुपये, यानी कि बेचने वाला जो प्राइस है ना, जो बेचने वाला या बेचा गया, ठीक है, बेचने वाला जो मूल्य है वो कितना रुपया है? 3 रुपये है। तो बताओ बेचने वाला मूल्य SP होगा कि CP होगा? SP होगा, चूंकि बेचने की इंग्लिश सेल। 3 रुपया क्या हो गया आपका? SP बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। बताइए समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ 5 रुपये में सामान को क्या किया गया भैया? खरीदा गया, 3 रुपये में बेचा गया, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। एक तो कॉमन सेंस के बेस पर आ जाएगा, लॉस हुआ। क्लियर है? कितने का लॉस हुआ? बोलो दो। कितने का लॉस हुआ? दो कैसे आया? तो आपने क्या कहा, 5 रुपये में से क्या माइनस कर दो? 3 रुपये माइनस कर दो, इससे निकल जाएगा लॉस। तो लॉस बराबर क्या आ जाएगा? 2 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन मैं कह दूं कैसे आया, तो लॉस बराबर 5 रुपया क्या है? तो आपको होगी खरीदने वाला मूल्य यानी कि CP माइनस, और ये 3 रुपये में आपने बेचा यानी कि SP। ये फॉर्मूला निकल कर सामने आ गया कि नहीं? बोलो समझे। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। इतना क्लियर है? इसी तरह से हम कह दें चलो भैया आप, बहुत अच्छी बात है, आपको लॉस निकालना आ गया। क्लियर है? समझ पाए इतना? मैं कह दूं 2 रुपये का आपको लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो जब लॉस परसेंट की बात करें, यानी कि ये पूछ रहा है लॉस कितने परसेंट का हुआ, परसेंटेज में बताओ। जब लॉस को परसेंटेज में बताना हो, यानी कि लॉस परसेंट बताना हो, उस सिचुएशन में क्या करना, लॉस को ऊपर लिख देना। क्लियर है? और लॉस हमेशा CP पर होता है, खरीदने वाले मूल्य पर क्या होता है? फायदा होता है, नुकसान होता है। क्लियर है? अपान CP और मल्टीप्लाई करना 100, चूंकि हर चीज़ें अपने आप में कितनी परसेंट, 100% होती है। ये फॉर्मूला है, बताओ। दो फॉर्मूला याद हो गया। लॉस कैसे निकालोगे? लॉस CP माइनस SP, और भैया लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? लॉस अपान CP इंटू 100। इतना क्लियर है? अच्छा, लॉस परसेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताइए? लॉस परसेंट बराबर, आप कह रहे हो लॉस 2 रुपये का हुआ, CP कितना है? CP
कितने में खरीदा गया? 5 रुपए में। तो 2/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5 5 2 10 5 0 0 और यहाँ 22 40 यानी कि 40, यानी कि 40% का क्या हो गया? लॉस हो गया कि नहीं? 40% का लॉस हुआ, लेकिन जब रुपीज में देखा गया तो 2 रुपये का लॉस हुआ, परसेंटेज में 40% का लॉस हुआ। समझ में आया? अब मान लो कंडीशन को हम बदल दें, कंडीशन को हम चेंज कर दें, हम कहें भैया 5 रुपये का आपने पेन ख़रीदा, अभी पेन वही है, 5 रुपये का आपने पेन ख़रीदा, इस पेन को आपने बेच दिया 9 रुपये में, बेच दिया, देख रहे हो कितना आप लालची हो। 5 रुपये का पेन आपने ख़रीदा, इसका मतलब CP बराबर क्या है भैया? 5 है कि नहीं? आपने 9 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब बेचने वाला मूल्य SP होगा, तो SP बराबर क्या आया? 9 है। अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे प्रॉफिट हुआ, सीधा सीधा 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 4 रुपये आप करो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट भी कितने रुपये का हुआ भैया? आप करो 4 रुपये का। 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? तो आपने क्या कहा, सेलिंग प्राइस में से यानी कि 9 में से कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया तो आया 4, है ना। अब यानी कि प्रॉफिट बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ये 9 क्या SP, तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP हो जाएगा। ये नया फार्मूला निकला कि नहीं बताओ? कहाँ से फार्मूला पैदा हो रहा है? कहीं अलग से पैदा नहीं हो रहा है, है ना। सूत्र को बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस मत समझो, क्योंकि ये तो अपने आप आ गया भाई। आप 9 में से 5, 9 क्या है? बेचने वाला यानी कि SP। तो अब प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट हमेशा कैसे निकालोगे? बेचने वाले है ना मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दोगे, क्लियर है? प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा कितना रुपया आपने पाया। अब मैं कह दूं नहीं नहीं आप परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो भैया प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जैसे आपने लॉस परसेंट निकाला तो लॉस ऊपर रखा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट कहाँ रखना होगा? ऊपर रखना होगा, और अपान में रखना होगा CP और मल्टीप्लाई 100। ये हो गया अगला फार्मूला, बोलो 4 फार्मूला, क्लियर है सबको? तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा भैया? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, अब बताए प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट 4 रुपये का हुआ है, 4 और अपान CP का मतलब खरीदने वाला प्राइस कितने में आपने खरीदा है? 5 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, 5 × 5 5 × 10 5 × 0 और 20 × 80 यानी कि 80% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? समझ पाए इतना? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोग को बताना है। सपोज करो आपने, है ना, आपने किसी सामान को या एक TV को आपने जो है 3000 रुपये में ख़रीदा है। आपने एक TV को कितने लिखिए, एक TV को आपने 3000 में ख़रीदा, इसका मतलब SP की CP आप डिसाइड करके अपनी कॉपी में लिखो। हम क्या कह रहे हैं, आपने 3000 रुपये में सामान को ख़रीदा, अब ये SP है कि CP है, जो भी है आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, क्लियर है? चलो लिखो जल्दी से। आपने इस सामान को जो है, है ना, इस सामान को 3700 रुपये में बेच दिया, 3700 रुपये में बेच दिया, बताओ CP है कि SP, जो भी है आप अपने कॉपी में लिखो, क्लियर है? समझ पाए? अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालो, लेकिन परसेंट के साथ, क्लियर है? चलो चलो, नहीं नहीं अभी आप करके मुझे दिखाओ, पूरा सिस्टमेटिक लगना चाहिए जैसे मैंने पूरा लगाया इस तरीके से, ओके? चलो जल्दी करके दिखाओ।